हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है क्लास 11 का ज्योग्राफी का लेसन 3 का जो है उसको हम आज स्टडी करेंगे। और हम पिछले वीडियो में आपको जो है बहुत सारी चीज़ें आपको बताई मैंने, एविडेंस ऑफ अर्थ लाइक इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है। अब इसके बाद में हम जो है इसी चैप्टर के जो है नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, वो है आपका अर्थक्वेक। भूकंप हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अर्थक्वेक भूकंप। देखिए अब व्हाट इज द अर्थक्वेक, भूकंप क्या है, ठीक है। तो सडन वायलेंट स्ट्रक्चर, देखिए आप तो जितना भी हमें वाइब्रेशन हो रहा है वाइब्रेशन ऑन अर्थ सरफेस यानी पृथ्वी की सतह का कंपन भूकंप कहलाता है, ठीक है। वाइब्रेशन ऑन अर्थ सरफेस यानी पृथ्वी की सतह का कंपन करना भूकंप कहलाता है, ठीक है। अब हम थोड़ा इसमें और जाएं तो हम और भी इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें हमें जो इसको क्लियर करनी है हमारे को। देखिए अब आगे मीनिंग के बाद में देखिए आप अर्थक्वेक वेव्स, तरंगे, ठीक है। दे आर टू टाइप्स, थ्री टाइप्स। देखिए आप फर्स्ट देखिए आप प्राइमरी, सेकंड देखिए आप सेकेंडरी, थर्ड देखिए लैंड और सरफेस वेव्स तरंगे। ठीक है, दे आर थ्री टाइप्स ऑफ वेव्स, अर्थक्वेक वेव्स। लाइक फर्स्ट देखिए आप प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, लैंड और सरफेस वेव। हिंदी में भी बोलें तो इसे बोलते हैं प्राथमिक तरंगे, सेकेंड है द्वितीयक तरंगे और थर्ड है धरातलीय तरंगे। दे आर थ्री टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स लाइक फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंड सेकेंडरी, थर्ड सरफेस और लैंड वेव्स। इस तरह से जो है तीन तरह की जो है भूकंपीय तरंगे होती हैं और ये जो है पृथ्वी के गर्भ से शुरू होकर इंटर पार्ट ऑफ अर्थ पृथ्वी के गर्भ से शुरू होकर और ये जो है धरातल पे पहुँचती है, पृथ्वी की सरफेस पर ट्रेवल टू द अर्थ सरफेस, दैट इज़ ए वेव्स, ठीक है। अब हम जो है हर एक वेव्स के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, थोड़ा इसके जो फीचर्स है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो आप फर्स्ट देखिए प्राइमरी वेव्स, प्राथमिक तरंगे। अब इसके जो फीचर्स जो हैं आप देखिए, आप फर्स्ट जो है इसका फीचर जो है प्राइमरी वेव्स जो प्राथमिक तरंगे, दे आर हाई वेलोसिटी, यानी क्या है काफ़ी तेज गति होती है इसकी, और इसकी जो हाई वेलोसिटी है वो है 6 to 15 किलोमीटर पर सेकेंड, क्लियर। यानी जो प्राथमिक तरंगे जो हैं प्राइमरी वेव्स इसकी गति बहुत ज़्यादा होती है और ये 6 से 15 किलोमीटर जो है पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 6 से 15 किलोमीटर का एरिया को कवर करती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो उसका फीचर्स जो है प्राइमरी वेव्स का, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये प्राइमरी वेव्स जो हैं सॉलिड, लिक्विड, उसके अलावा गैसेस, सॉलिड लिक्विड गैसेस इन तीनों ही फॉर्म के अंदर दे आर इजिली गोइंग टू ट्रेवल थ्रू द दिस फॉर्म।
यानी ये जो तरंगे जो हैं प्राथमिक तरंगे जो हैं पी तरंगे, ये तीनों ही माध्यम से गुजर सकती है, ठोस, द्रव और गैस। यानी अगर जब ये स्टार्टिंग हो रहा है हमारा अर्थ के अंदर, तो ये तीनों ही फॉर्म को क्रॉस कर जाती है एंड इजी गोइंग टू ट्रेवल थ्रू द दिस फॉर्म। यानी जो है ये प्राथमिक तरंगे जो है तीनों ही माध्यम से गुजर सकती है, ठीक है, यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। उसके बाद देखिए आप इसका जो और भी जो फीचर्स है, ये जो है ये बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, ये जो तरंगे जो हैं बैकवर्ड और फॉरवर्ड आगे पीछे की ओर जो है चला करती हैं, ये इस प्राथमिक तरंगे के जो है फीचर्स यानी विशेषता हैं। तो मैंने आपको जो बहुत सारी चीज़ें बताई इसके अंदर, और ये जो प्राइमरी वेव्स क्या है, दे स्टार्टिंग ऑफ द एपिक सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे आप, अब इसे प्राथमिक प्राइमरी वेव्स की बोलते हैं। अगर सडन हमारे अर्थ में कहीं भी हमारा जो अर्थक्विक सेंटर यानी भूकंपीय केंद्र, तो स्टार्टिंग जो होगा वो होगा पी वेव्स, ठीक है, हमारे सेंटर से पी वेव, फिर सेकेंडरी वेव, फिर एल और अ सरफेस, क्लियर। तो हमारा जो अर्थक्विक का जो सेंटर है वहाँ से जब स्टार्टिंग जो क्रिएट ऑफ वेव्स, दे आर ऑल्सो नाउन इज प्राइमरी वेव्स, यानी जब भूकंप की शुरुआत होती है गर्भ के अंदर से तो वो प्राथमिक तरंगें कहलाती है। अब सेकेंड देखिए आप इसका, सेकेंडरी में देखिए आप, सेकेंडरी वेव्स के अंदर सेकेंड देखिए आप, सेकेंडरी वेव्स द्वितीयक तरंगे, ठीक है, देखिए आवाज में सेकेंडरी वेव्स के अंदर जो है इसका जो फीचर्स होता है, ठीक है, इस फीचर्स में क्या होता है, इसका जो वेलोसिटी जो है काफ़ी लो होता है, और इसका जो वेलोसिटी जो है अब सेकेंडरी वेव्स का वो है 1 to 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ये क्या है, वेलोसिटी, ठीक है, सेकेंडरी वेव्स का जो स्पीड है, गति जो है 1 to 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के अंदर जो है ये एरिया को कवर करती है, एंड दे ओनली सॉलिड फॉर्म, ये केवल ठोस भाग से ही गुजर सकती है। सबसे बड़ा फीचर्स इसका क्या है, दे ट्रेवल थ्रू ओनली सॉलिड पार्टिकल और रॉक्स। ये जो सेकेंडरी जो वेव्स है प्राद्युतिक जो तरंगे, वो केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती है, एंड दे कैन नॉट थ्रो ट्रेवल थ्रू लिक्विड और गैस, ये जो है ठोस, द्रव और गैस इन माध्यम से नहीं गुजरती है, क्लियर। तो सेकेंडरी वेव्स है ओनली सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर जो है दे आर इजीली गोइंग टू द ट्रेवल थ्रू द दिस पार्टिकल, तो ये बड़े आराम से जो है ठोस अवस्था क्षेत्र में से गुजर सकती है, उसके बाद में द्रव और गैस में से नहीं गुजरती है। उसके बाद देखिए आप आगे लास्ट देखिए इसमें थर्ड वेव जो है हमारा लैंड और सरफेस वेव्स, थर्ड देखिए आप लैंड या फिर सरफेस वेव्स, धरातलीय तरंगे, ठीक है। ये धरातलीय तरंगे क्या होता है, जो हमारा जो क्रस्ट है, ये जो क्रस्ट है भूपर्टी, सडन दे आर वाइब्रेशन, दे क्रिएट अ वाइब्रेशन एंड दे रीच टू द ये वाइब्रेशन क्या है, सरफेस वेव्स और लैंड वेव्स, ठीक है। अब इसका जो वेलोसिटी होता है, इसका वेलोसिटी कितना है,
3.5 किलोमीटर पर सेकेंड, ये इसका क्या है वेलोसिटी, ये इसकी गति है। 3.5 किलोमीटर का जो है ये प्रति सेकेंड में जो है क्षेत्र को कवर करती है, और दे आर वेरी डिस्ट्रक्टिव, यानी इसका जो अगला जो फीचर थे डिस्ट्रक्टिव, ये काफ़ी क्या होती है विनाशकारी होती है, ये बहुत अधिक विनाशकारी होती है, क्योंकि क्या लैंड सरफेस दे आर वेरी डिस्ट्रक्टिव और दे आर लॉस ऑफ मैनी लाइव्स एंड प्रॉपर्टी। और इस तरंग से जो है काफ़ी हमें जनधन की हानि होती है, कई जाने जाती हैं, तो ये काफ़ी जो है हमारे लिए हार्मफुल वेव्स है सरफेस और लैंड सरफेस वेव्स, तो ये काफ़ी जो है घातक हमारे लिए सिद्ध होती है वेव्स। और ये जब ये सरफेस पर जब वाइब्रेशन होता है दे आर मैनी लॉसेज ऑफ लाइव्स एंड द प्रॉपर्टी, और बहुत सारी जाने जाती है और संपत्ति की जो है जनधन की हानि होती है। तो इस तरह से जो देखा आपने ये तीन तरह की जो वेव्स मैंने आपको बताया तरंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर, कई बार इससे क्वेश्चन पुटअप होता है। अब आप नेक्स्ट देखिए, आप देखो अब होता है हमारे सेंटर अर्थक्विक सेंटर में, देखिए आप में दे आर टू टाइप्स ऑफ सेंटर अर्थक्विक सेंटर, ठीक है, भूकंप केंद्र, ठीक है, ये क्या है हमारा अर्थ, क्लियर। अब जहां से भी हमारा भूकंप स्टार्टिंग पॉइंट हो रहा है, मान लीजिए यहां पर हो रहा है, ठीक है, क्लियर, ये हमारा क्या है अर्थक्विक जोन, ठीक है। तो जब यहां से स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट जब देख फॉर्मेशन ऑफ अर्थक्विक वेव्स दैट इज नाउन एज फोकस ऑफ अर्थक्विक, इसे भूकंप मूल भी कहते हैं, ठीक है। तो जब शुरुआत में जब पृथ्वी के अंदर से गहराई के अंदर जब पृथ्वी की जो है भूकंप पैदा हो रहा है या शुरुआत हो रही है, तो उस सेंटर को हम बोलते हैं फोकस ऑफ अर्थक्विक, भूकंप मूल कहते हैं। और जब ये जब धरातल पे ऊपर की ओर क्रस्ट पे अपर क्रस्ट पर जब ये वेव्स यहाँ पर पहुँचती इस पॉइंट के अंदर इस सेंटर पर ऑन अ सरफेस पृथ्वी के ऊपरी भाग पर, डेट इज नाउन एज एपी सेंटर, इसे भूकंप अधिकेंद्र भी कहते हैं, क्लियर। ये हमारा पॉइंट क्या हो गया फोकस, एंड दिस इज अपर ऑन अ सरफेस भूकंप अधिकेंद्र एपिसेंटर। तो एग्जाम में कई बार आता है व्हाट इज द एपिसेंटर, व्हाट इज द फोकस ऑफ अर्थक्विक, तो ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई। तो फोकस ऑफ अर्थक्विक तो हमारा एंट्री पार्ट ऑफ अर्थ, एंड एपिसेंटर द सरफेस ऑन अर्थ पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो स्टार्टिंग जो हमारा सेंटर है डेट इज एपिसेंटर, ठीक है। उसके बाद देखिए हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे और इस टॉपिक के अंदर चलते हैं टाइप्स ऑफ अर्थक्विक, इसको हम थोड़ा साफ कर देते हैं। देखिए आप टाइप्स ऑफ अर्थक्विक, भूकंप के प्रकार, फर्स्ट देखिए आप टेक्टोनिक, फर्स्ट जो हमारा आया हुआ है टेक्टोनिक अर्थक्विक, यानी विवर्तनिकी भूकंप, सेकंड देखिए फर्स्ट मैंने बताया आपको टेक्टोनिक, सेकंड है वेल्केनिक, और फिर थर्ड में देखिए आप कोलैप्स, इसे बोलते हैं आपके ज्वालामुखी भूकंप, थर्ड वन कोलैप्स, और इसमें देखिए यहाँ पर
कोलैप्स अर्थक्वेक, इसका जो अर्थ है नियात भूकंप, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ब्रैकेट में खनन क्षेत्र। थर्ड है एक्सप्लोजन, फोर्थ देखिए एक्सप्लोजन, अर्थक्वेक, विस्फोट से, ठीक है, विस्फोट एंड थर्ड वन फिफ्थ वन लास्ट वन वो है आपके रिजर्वियर्स, रिजर्वियर्स आर आई ओ एस ई आर एस ई आर ठीक है। देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, यानी पांच तरह के जो हैं भूकंप होते हैं, पहला टेक्टोनिक, फिर वेल्केनिक, फिर कोलैप्स, एक्सप्लोजन एंड रिजर्वियर्स अर्थक्वेक। फर्स्ट देखिए आप टेक्टोनिक अर्थक्वेक, यहाँ पर देखिए आप टेक्टोनिक में क्या था, काफ़ी हमारे यहाँ पर कुछ बिग एंड स्मॉल प्लेट्स हैं, काफ़ी बड़ी छोटी चट्टानें, जब वो आपस में टकराई है इंटर पार्ट ऑफ अर्थ पृथ्वी के, जब आंतरिक भाग में जब हलचल पैदा हो रही है और जब पृथ्वी के गर्भ के अंदर बड़ी बड़ी जो चट्टानें जो हैं स्मॉल एंड बिग जो प्लेट्स जो हैं वो जब आपस में टकरा रही है, द क्रिएट ऑफ टेक्टोनिक अर्थक्वेक, यानी विवर्तनीय भूकंप पैदा हो रहा है, जब यानी कहने का मतलब ये है जब पृथ्वी गर्भ के अंदर जो है ये कुछ बड़ी और छोटी चट्टानें जब टकरा रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, एक दूसरे के पास टकरा रही है, विपरीत दिशा में गमन कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि दे स्टार्ट ऑफ टेक्टोनिक अर्थक्वेक, यानी विवर्तनीय भूकंप पैदा हो रहा है। सेकंड देखिए वेल्केनिक अर्थक्वेक, ज्वालामुखी भूकंप, ज्वालामुखी भूकंप में क्या होता है, जब सडन एक्सप्लोजन होता है, वेल्केनिक इरप्शन होता है, सडन द नियरेस्ट एरिया दे आर क्रिएट ऑफ वाइब्रेशन, यानी उसके आसपास का जो क्षेत्र जो है क्या है वो कंपन पैदा करता है, और उससे फिर क्या होता है ज्वालामुखी भूकंप पैदा होता है, यानी जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसके विस्फोट से जो है क्या होता है आसपास के क्षेत्र में जो है भूकंपीय स्थिति पैदा हो जाती है, एंड दैट इज नाउन एज वेल्केनिक अर्थक्वेक। सेकेंड देखिए कोलैप्स अर्थक्वेक, नियात भूकंप, जब खनन क्षेत्र में जहाँ पे माइनिंग हो रही है और जब उसकी छत जब ढह जाती है तो उसके धमाके से छत के ढहने से जो होता है कंपन पैदा होता है, एंड नाम कोलैप्स अर्थक्वेक, इसे नियात भूकंप भी कहते हैं। फोर्थ देखिए आप एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, जब परमाणु विस्फोट होता है या कोई भी बड़े जब बम का जब परीक्षण होता है तो उसके विस्फोट से जो है आसपास के क्षेत्र में कंपन पैदा होता है सरफेस पर ज़मीन पर, और उससे क्या होता है विस्फोट भूकंप, ठीक है, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक पैदा होता है। उसके बाद देखिए रिजर्वेरियस ऑफ अर्थक्वेक, बांध के टूटने से, जब बड़े बड़े जब बांध टूटते हैं या दीवारें टूटती हैं और जब वो ज़मीन से टकराती हैं तो द स्टार्टिंग ऑफ वाइब्रेशन, कंपन पैदा होता है, उस कंपन से क्या होता है ये भूकंप पैदा होता है, एंड दैट इज़ अ फाइव टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। इससे ये देखो भूकंप के पांच प्रकार होते हैं जो कि हमारी स्टडी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इस टॉपिक में, वो आता है आपके अर्थक्वेक इफेक्ट, भूकंप के जो हैं प्रभाव क्या क्या चीज़ है। देखिए आप यह देखिए आप फर्स्ट देखिए आप इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, इफेक्ट ऑफ भूकंप के प्रभाव, फर्स्ट देखिए आप ग्राउंड शेकिंग, ठीक है, फिर सेकंड देखिए आप डिफरेंटियल ग्राउंड सेटलमेंट, थर्ड देखिए आप लैंड एंड मड देखिए आगे आप इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक भूकंप के प्रभाव, फर्स्ट देखिए आप ग्राउंड शेकिंग, भूमि का हिलना,
ग्राउंड शेकिंग, जब भूमि हिलती है तो बहुत सारे जो आपने देखा कि दे आर डिस्ट्रॉय ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ लाइक बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर, यानी जब भूमि हिलती है तो बस जो है हमें दे मेनी लाइव्स एंड लॉसेस ऑफ प्रॉपर्टी और हमें बहुत सारी जो जाने जाती है। और उसके अलावा फिर डिफरेंटियल ग्राउंड सेटलमेंट, ठीक है, कोई ना कोई स्थान जो है वो क्या हो जाता है डिफरेंटियल ग्राउंड सेटलमेंट, कोई ना कोई स्थान जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है शिफ्ट हो जाता है। दे आर सेकेंड इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। थर्ड देखिए लैंड एंड अ मड स्लाइड, भूमि या फिर क्या होता है पंख कीचड़, बहुत बड़ी मात्रा में जो है भूमि या फिर जो पंख कीचड़ का जो स्लाइड जो है वो नीचे की ओर जाना शुरू कर देता है, ठीक है, और इससे काफ़ी जो है दे स्टॉप ऑफ मैनी हाईवेज और रोड्स एंड द ब्लॉक ऑफ मैनी रोड्स। फिर देखिए सॉइल लिक्विफ्लेशन, इसमें क्या होता है मिट्टी बहुत गीली होती है और जब ये मिट्टी बहुत गीली होती है तो दे आर इजिली मूव टू द डाउनफॉल, ये नीचे की ओर जाना शुरू कर देती है। फिफ्थ देखिए आप ग्राउंड लार्चिंग, यानी भूमि का झुकना, भूमि जो है एक तरफ झुक जाती है, ग्राउंड लार्चिंग, भूमि एक तरफ झुक जाती है। सेकेंड सिक्स देखिए आप एवलांच, एवलांच क्या होता है हिमस्खलन, हिमस्खलन यानी जो है बड़े बड़े जो बर्फ़ के पहाड़ जब भूकंप से जो है नीचे की ओर, यानी स्टार्टिंग ऑफ एवलांच यानी हिमस्खलन होता है। सेवन देखिए आप ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, यानी ज़मीन जो है ऊबड़ खाबड़ हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट जो फ्लैट होता है वो नॉट अ फ्लैट, ठीक है, तो ज़मीन ऊपर नीचे हो जाती है ऊबड़ खाबड़ होती है। दे आर फाउंड ऑफ रफ टोपोग्राफी बाई द अर्थक्विक, यानी भूकंप से जो है काफ़ी जो है ज़मीन ऊपर नीचे हो जाती है। एट देखिए आप फ्लड फ्रॉम डैम एंड द लीव्स एंड द फेलियर्स, ये अर्थक्विक से आता है बाढ़ें भी आती है और बांध टूट जाते हैं और लीव्स और जो तटबंधे वो क्या हो जाते हैं टूट कर नष्ट हो जाते हैं और इससे स्टार्टिंग ऑफ फ्लड, बाढ़ पैदा होती है, यानी बांध जब टूट जाते हैं तटबंध जब टूट जाते हैं तो इससे बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है और ये सब किसका इफेक्ट है अर्थक्विक का। नेक्स्ट देखिए नाइन नंबर फायर्स, इससे इस अर्थक्विक से जो है वन अग्नि या आग लगना, बहुत जगह पर जो है द स्टार्टिंग ऑफ फायर, बहुत जगह पर जो है आग लगना शुरू हो जाती है। फिर देखिए स्ट्रक्चर ऑफ कोलैप्स, ठीक है, यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर ऑफ कोलैप्स में देखिए आप इमारतों का टूटना और बांधों के ढांचों का टूटना, ठीक है, इमारतें व बांध टूट जाते हैं, ठीक है। फिर फैलिंग ऑब्जेक्ट, कुछ जो फैलिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे जो हमारे जो बिल्डिंग्स हैं डैम्स हैं एंड मैनी स्ट्रक्चर ऑफ द ऑन अ सरफेस, ये जितनी जो हमारी बनावट जो है पृथ्वी के ऊपर वो सभी क्या है फेलिंग ऑब्जेक्ट, ये नीचे की ओर गिर जाती है टूट कर। नेक्स्ट लास्ट देखिए आप इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक सुनामी, 12 पॉइंट जो हमारा वो सुनामी, इससे जो है दे स्टार्टिंग ऑफ सुनामी, इससे बहुत बड़ी जो है सुनामी पैदा होती है और सुनामी से दे स्टार्टिंग ऑफ फ्लड, बाढ़ आती है एंड देन लीव लॉस्ट ऑफ वेरी लाइव्स एंड द प्रॉपर्टी। थैंक यू। इसके अलावा देखिए आप फिर मैंने आपको जो है अर्थक्वेक का इफेक्ट बताया और हम नेक्स्ट टॉपिक में अगले की ओर चलेंगे, ठीक है, आज की इतनी ही वीडियो में आज इतना ही काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में और चलेंगे, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।